डे। थैंक यू। वो आज सुबह से मुझे मदर्स डे विश कर रहे हैं एंड स्पेशल फील करा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द फर्स्ट मदर्स डे जब वो मुझे मदर्स डे विश कर रहा है, मुझे मदर्स डे की फील आ रही है एंड आज मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। जब मैं सोकर उठी, आई गॉट दिस फ्लावर बुके। अंशुल जल्दी उठ के वॉलमार्ट से मेरे लिए बुके लेकर आए, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। एंड यू नो आई थिंक हम मदर्स को बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते स्पेशल फील होने के लिए। ये छोटे छोटे गिफ्ट्स ही, छोटे छोटे सरप्राइजेस ही हमें बहुत स्पेशल फील कराते हैं। एंड ये भी बोल रहा है कि वो मम्मा के लिए क्या लाएगा, कहाँ से लाओगे इतनी बड़ी वॉलमार्ट से, वो मम्मा के लिए गिफ्ट बाय करेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। आप लोगों का मदर्स डे कैसा रहा मुझे भी बताइएगा। थैंक यू। आप लोगों का मदर्स डे कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज मैंने लंच में बहुत ही सिंपल दाल चावल बनाया है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट काफी हैवी किया था, आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो अभी भूख ज्यादा नहीं थी। और अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। तो क्विकली थोड़ा सा हम दाल चावल खाएंगे। और आज मैंने दाल चावल जो है ये कच्चे आम के अचार के साथ सर्व किया है। ये इंस्टेंट मैंगो पिकल है। इसकी रेसिपी मैंने लास्ट समर्स आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चाहते हैं तो। बहुत यम लगता है कच्चा कच्चा आम का अचार, खट्टा मीठा। तो बस यही हमारा लंच है। ब्लू कार्ड लेनी है आपको? ठीक है, प्रॉमिस, मामा ब्लू कार्ड दिलाएगी। कॉस्को। आजकल हम लोग विंडो शॉपिंग बहुत कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा नया घर सेट करना है, काफ़ी सारा सामान लेना है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट बनाई है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस ऑर्डर में हमें चाहिए। एंड शिकागो पहुँच कर हम लोगों के पास शॉपिंग करने का टाइम थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि एक वीक ही रहेगा जब अंशुल मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद फिर उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी रहेगी, हमें पता रहेगा कि क्या सामान लेना है, इट वुड बी इजी कि हम फिर वहाँ पे फटाफट से सामान खरीद लेंगे। एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिस्ट बनाई है कि क्या क्या सामान हमें चाहिए, किस प्रायोरिटी पे चाहिए। अगर आप लोग वो लिस्ट देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली शेयर, क्योंकि यू नो किसी को हेल्प जरूर कर सकती है जो नया घर सेट करने जा रहा है या कोई मूव कर रहा है हमारी तरह, तो इट माइट हेल्प समवन। तो अगर आपको देखनी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कल हम लोग शाम को बेड बाथ गए थे, वहाँ पे देखा कि किस तरीके से सामान है और वहाँ से हम क्या क्या ले सकते हैं। इसी तरीके से आज हम कॉस्को जा रहे हैं, कुछ लेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा इतना सारा सामान फ्लाइट में लेके जाना। तो बस देखेंगे और थोड़ा सा एक माइंड सेटअप कर लेंगे कि हमें यहाँ से ये सामान पिक करना है। तो वही सब अभी आजकल चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। नया सामान जब आप घर के लिए लेते हो ना तो स्पेशली बहुत खुशी होती है एंड बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है कि नए घर को नए तरीके से सजाएंगे और सब कुछ अपनी पसंद का लेंगे, धीरे धीरे करके लेंगे दो, बट बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ हम कॉस्को पहुँच चुके हैं, तो बस बेसिक घर का सामान ही देखना है, जैसे कि किचन एसेसरीज़, बाथरूम एसेसरीज़ और थोड़ा बहुत फर्नीचर हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे जो वुडन फर्नीचर था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, सो हम यहाँ से फर्नीचर नहीं प्लान कर रहे हैं लेने का। और यहाँ पे कुछ अप्लाइंसेस वगैरह भी देख रहे थे,
एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग टू कॉस्को इज़ यहाँ पे आपको बहुत सारा खाना मिलता है एज फ्री सैम्पल्स, तो बहुत मज़ा आता है सब कुछ ट्राई कर करके ख़रीदने का। जो लोग यहाँ रहते हैं वो काफ़ी कुछ मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। कॉस्को आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ट्राई करने के लिए मिलती हैं। तो ये कुछ मल्टीग्रेन क्रैकर्स थे, चीज़ के साथ मिल रहे थे, मैंने नहीं ट्राई किया, अंशल ने ट्राई किया था, इट वॉज़ रियली नाइस। और अभी हम कुछ किचन के बाउल्स वगैरह देख रहे हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल सेक्शन में आए हैं क्योंकि अंशुल को अपना स्पेक्स बनवाना है और यहाँ पे हमने सुना था कि काफ़ी अच्छे दाम पर बन जाता है, तो सोचा कि इस बार हम लोग यहीं से बनवाएंगे। और यहाँ का पिज्ज़ा स्लाइस तो खाना बनता ही है, मेरे एक स्वीट से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, एंड हमें भी यहाँ का चीज़ पिज्ज़ा जो होता है वो बहुत ही यम लगता है, इसकी एक स्लाइस ही बहुत अच्छी होती है, तो सोचा कि आज ज़रूर एक खाते हैं मदर्स डे पे। लुक एट द अमेजिंग वेदर, अभी दोपहर का 3 बजा है और कोई कह नहीं सकता कि ये ट्यूसॉन का वेदर है। और अंशुल अभी कार लेने गए हैं, सारा सामान लेके गए हैं, बस हमें अंदर खड़ा करके गए हैं, बोल रहे हैं कि भीग जाओगे तुम लोग, हस्बैंड आर लाइक दैट, यू कांट बीट देम। गोविंद मज़ा आ रहा है, ट्रेन हो रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा वेदर मुझे बहुत पसंद है एंड होपफुली ये बहुत देखने को मिलेगा शिकागो में। सो वी आर बैक होम और जैसा कि मैंने आपको कहा ही था आज मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना, बस थोड़ा बहुत सामान लिया है जो कि मैं भी आपको क्विकली दिखाऊंगी। बट हम लोग अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान देखने गए थे कि वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या प्राइस रेंज है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पहले कभी भी नहीं देखी, क्योंकि कभी लेना ही नहीं हुआ तो कभी ज़्यादा गौर भी नहीं किया कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या प्राइस रेंज है। जो हमें सामान चाहिए होता था हम लिस्ट बना के जाते थे, क्विकली बाय करके आ जाते थे। बट आज हमने काफ़ी अच्छा सामान देखा और वो सब हम शिकागो जाके लेंगे और जैसे जैसे मैं लूँगी डेफिनेटली आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। तो आज जो थोड़ी सी शॉपिंग करी है मैंने सोचा वो आपको दिखा देती हूँ। ये ओले की मैंने क्रीम ली है बिकॉज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ इट, तो वहाँ पे काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाती है। ये 2 का पैक आई गेस मैंने 35 बक्स का लिया है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है, बट येस ओले रीजेनरेट क्रीम ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैंने एक स्ट्रॉबेरी का पैक ले लिया बिकॉज मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी पीना बहुत पसंद है, तो एक ले लिया है। और एक टिफ़िन बॉक्स लिया है एंट्री के लिए। एक्चुअली ये टिफ़िन बॉक्सेस और ये से छोटे जो सामान होते हैं ना वो हम बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं देखते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अवेलेबल है कभी नहीं है, तो टिफ़िन बॉक्स चाहिए था ऑब्वियसली। अब ऑफिस जाएंगे तो एक अच्छा टिफ़िन बॉक्स मुझे लेना था बड़ा सा थोड़ा, एंड आज मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। काफ़ी अच्छी अटैचमेंट्स हैं इसके अंदर, मैं भी ये ओपन नहीं होगा एक्चुअली, लॉक्ड है अभी, बट इसको मैं कभी फिर से खोल के आपको दिखाऊंगी प्रॉपरली। इसमें आइस पैक्स भी हैं, वहाँ पे पूरा डिस्प्ले पे लगा हुआ था तो मैंने देखा है एंड काफ़ी अच्छा लगा। सो आई गॉट दिस फॉर $20। बस यही एक थोड़ी सी छोटा सा शॉपिंग हॉल था आज कॉस्को का मेरे साथ। और बस अभी मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, अनिरुद्ध की चेंज कर दी है, अभी मैं उसे नैप दूंगी। आज उसका नैप टाइम मिस हो गया, जैसा कि आप जानते ही हो वो 1 o'clock सोता है आफ्टर लंच, बट अभी 3:30 हुआ है, बट मैं उसे एक शॉर्ट नैप दूंगी 1-1.5 hours के लिए, अदरवाइज़ वो रात तक बहुत क्रैंकी रहेगा, तो थोड़ा सा भी सो जाएगा तो उसकी एनर्जी रीगेन हो जाएगी और उतना टाइम मुझे भी थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करने का मिल जाएगा। अदरवाइज़ एक्टिव टॉडलर है वो, मेरे को भी ऑन टोज रखता है, और जब तक वो सोता है मैं अपना टाइम बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर रही हूँ, अपनी वीडियो एडिटिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ घर को, बच्चे को, एंड यूट्यूब वीडियोस भी एडिट करना। सो इसी तरीके से मैं बिट्स एंड पीसेस में काम करती हूँ। जब अनिरुद्ध सो रहा होता है या डैडी के साथ खेल रहा होता है या बिज़ी होता है अपने में खेलने में, तब मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ को एडिट कर लेती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता जब मेरे को 2-3 hours इन अ स्ट्रेच मिल जाएं, जब मैं बैठ के अपनी यूट्यूब वीडियोस को देखूं, एडिट करूं। तो इसी तरीके से जब भी थोड़ा सा भी टाइम विंडो मुझे मिलती है उसमें मैं अपना काम करती हूं, एंड इसी तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूं, टाइम मैनेज करने की कोशिश करती हूं।
और बस मैंने थोड़ी देर अपनी वीडियो एडिटिंग करी, उसके बाद अभी मैंने शाम की चाय बनाई है। आज आपने देखा ही था मौसम कितना अच्छा था, बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, और इस मौसम में मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में प्याज के पकौड़े, ओ माय गॉड, मम्मी प्याज के पकौड़े बनाती थी, उसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता था। बट आज मैंने पकौड़े नहीं बनाए, सिंपल चाय बनाई है और हम लोग पार्ले जी के साथ खा रहे हैं। हमारे घर में पार्ले जी बहुत खाया जाता है, इट्स अ हिट बिस्किट इन आर फैमिली। अंशुल को बहुत पसंद है पार्ले जी खाना, और अब अनिरुद्ध को भी बहुत पसंद आने लगा, और जब ये दोनों खाते हैं तो अब मैं भी बहुत खाती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा बिस्किट खाते हैं टी टाइम पर। हम लोगों के यहाँ तो पार्ले जी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो बस अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा सामान कहाँ पे से लेना है, लिस्ट जो है उसको देख रहे हैं और ओवरव्यू कर रहे हैं, और अभी कुछ ऑनलाइन चीज़ें देखना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली अभी हम मेट्रेस एंड बेड देख रहे हैं। काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि हम आइकिया पर देखें, बट आइकिया ट्यूसॉन में नहीं है, वो फिनिक्स में है, एंड इट्स लाइक 1.5 आवर ड्राइव हमारे घर से। सो वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि हम इतनी दूर जा के मेट्रेस एंड बेड देख कर आएँ। सो हमने सोचा थोड़ा ऑनलाइन सर्च करते हैं और उसके बाद फिर शिकागो जाकर ही फाइनलाइज करेंगे। तो बस आजकल इसी तरीके से हमारा दिन चलता रहता है, सारे दिन हम कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। खूब ऑनलाइन सर्च चल रही है, खूब सारी विंडो शॉपिंग चल रही है, और हम लड़कियों को तो विंडो शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है ना। और डिनर में आज बहुत ही सिंपल मैंने दाल के पराठे बनाए हैं, आज कुछ भी ज़्यादा कुक नहीं किया, सिंपल सा बूंदी का रायता है और हरे धनिया की चटनी और आम का अचार है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए आए हैं तो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।